हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश और इस वीडियो में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं पैन कार्ड और आधार कार्ड जब आप लिंक कराने जा रहे हैं तो उसके बारे में। अब जो टाइम है इसका 31 मार्च तक का है, तो आप 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करा लीजिए। अगर लिंक नहीं कराया है तो इसके बाद आपका पैन कार्ड जो है निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, आपको कहीं से भी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप लिंक कराने जा रहे हैं कहीं पे भी या फिर खुद से लिंक कर रहे हैं पैन कार्ड आधार कार्ड से, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। उसे पहले आप यह स्टेटस चेक कर लें कि पहले ही कहीं आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक तो नहीं है। ऐसा हो रहा है कि बंदा चेक नहीं कर रहा है, सीधा लिंक कराने जा रहा है, 1,000 रुपये वैसे ही वेस्ट जा रहे हैं वो। तो इसलिए आप खुद से पहले चेक कर लीजिए, अगर लिंक है तो लिंक कराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है, वहां आप पहले चेक करिए और फिर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराइए अगर लिंक नहीं है तो, ठीक है। तो देखिए आप प्रोसेस, और ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं हुआ है तो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप देखिए आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी लेनी है कि आपका जो पैन कार्ड है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है, उसके लिए आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जब आप ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आपको इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये लिंक दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे, तो यहाँ पे आपको लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज आप इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे आपको पैन नंबर देना है सबसे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर देना है, और जैसे ही आप आधार नंबर देंगे तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक मैसेज शो हो रहा है, ये देखिए योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू योर गिवन आधार। तो इस तरीके से आप यह देख सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है।